हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस मेंटर, और आप देख रहे हैं द बिजनेस माइंड यूट्यूब चैनल। और बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में आपने, सबसे शानदार इनोवेटिव ई लर्निंग एप्लीकेशन। देखिए, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रिक लर्निंग, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चा अपने घर बैठे स्कूल एनवायरमेंट के साथ और टीचर अपना घर बैठे स्कूल एनवायरमेंट के साथ बच्चे को ऑनलाइन किसी कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टैबलेट, सेलफोन की हेल्प से इंटरनेट कनेक्शन के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे को घर बैठे एजुकेशन का फायदा मिल सके। अब हम इस एजुकेशन सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद थे, लाखों बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह से प्रभावित हो गई, पूरी तरह से रुक गई। इसमें सबसे बड़ी हेल्प जो की वो थी इलेक्ट्रिक लर्निंग एप्लीकेशन के कुछ प्लेटफॉर्म ने। अगर इलेक्ट्रिक लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करूं तो गूगल की तरफ से काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे हैंग आउट है, जैसे मीट ऐप है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आप बच्चे को वन ऑन वन सेशन देके उसको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से इंडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म काफी फेमस हुआ वो था जूम ऐप, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई थी। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में अगर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को हुआ था वो था जूम ऐप। बहरहाल, इसके अलावा भी बायजू और वेदांत दो ऐसे बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ई लर्निंग की हेल्प से बच्चों को घर बैठे काफी सारी एजुकेशन दे सकते हैं। आज एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया के अंदर एजुकेशन में काफी अच्छा डेवलपमेंट हो नहीं पाया। इंडिया के अंदर एजुकेशन थोड़ा वीक है और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसी गैप की वजह से जो बच्चा ब्रिलियंट है वो स्कूल में अच्छी एजुकेशन ले पाता है, इंस्टीट्यूशन में अच्छी एजुकेशन ले पाता है और लाइफ में उसका कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन वो बच्चा जो एवरेज है, जो बिलो एवरेज है, वो स्कूल में भी ठीक से नहीं समझ पाया, वो कोचिंग में भी ठीक से नहीं समझ पाया और कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक लर्निंग ऑनलाइन एप्लीकेशन और ई एजुकेशन के टाइम पीरियड में इन एप्लीकेशन के थ्रू ये गैप काफी हद तक कम हुआ। और इसमें सबसे अच्छा जो रोल प्ले किया वो था वेदांतु एप्लीकेशन। अब वेदांतु एप्लीकेशन की बात करूं तो 2011 के अंदर बैंगलोर के अंदर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया चार दोस्तों ने, वांसी, पुलकित, सौरभ और आनंद। इन चारों ने IIT से अपनी पढ़ाई को पूरा किया, चारों ही इस बिजनेस के को-फाउंडर हैं और चारों ने मिलकर के इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब लेस एजुकेशन और हायर कॉस्ट को सॉल्व करते हुए एक ऐसा इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर बच्चे को लाइव क्लासेस देके बच्चे के सारे क्वेरीज को, सारे इंटरेक्शन को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और यही इनके बिजनेस से पहली लर्निंग थी कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो प्रॉफिट सेंट्रिक या स्केलेबल शायद ना हो। इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना, जो इन चारों दोस्तों ने मिलकर काफी अच्छे से सॉल्व किया। दूसरा, इन्होंने अपने बिजनेस का नाम बड़ा सोच समझ के रखा, वेदांतु, जो कि संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वेदा, जिसका मतलब होता है नॉलेज, दूसरा होता है तंतु, जिसका मतलब होता है नेटवर्क, मतलब नॉलेज का एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया। इस तरह से इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं कि काफी ग्रोइंग और रिवॉल्यूशनरी चेंज इंडिया के अंदर लेकर आए। किसी भी स्टार्टअप से तीसरी लर्निंग जो सीखने को मिलती वो उनका बिजनेस मॉडल। वेदांतु का बिजनेस मॉडल भी काफी इंटरैक्टिव लर्निंग वाला है। ये ऐसा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि बच्चे को अपने घर बैठे स्कूल का एनवायरमेंट और टीचर को अपने घर बैठे हुए स्कूल का एनवायरमेंट मिलता है और वन टू एजुकेशन में काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। इसे इन्होंने नाम दिया है वेव, मतलब व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एजुकेशन। इसी की वजह से वेदांतु काफी बच्चे पसंद कर पा रहे हैं और टीचर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, कॉस्ट कम है, क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा है, इसीलिए ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आए। बहरहाल, देखिए, अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो बायजू भी आपको इलेक्ट्रिक लर्निंग प्रोवाइड कराती है। बहरहाल, बायजू और वेदांतु का कंपैरिजन इस वीडियो में थोड़ा आगे करेंगे। अभी समझते हैं कि वेदांतु को फंडिंग कैसे मिली। देखिए, अपने वेदांतु बिजनेस मॉडल को समझाते हुए राउंड वन के अंदर इन्हें फंडिंग मिली 5 मिलियन की, फिर राउंड टू के अंदर इन्हें फंडिंग मिली 11 मिलियन की, राउंड थ्री के अंदर इन्हें फंडिंग मिली 42 मिलियन की। इस तरह से अपने बिजनेस मॉडल में टेक्नोलॉजी के अंदर, सिस्टम के अंदर, ई लर्निंग सेशन के अंदर, वर्कशीट के अंदर, टीचर्स पेडागोलॉजी के अंदर काफी हद तक इन्होंने बिजनेस मॉडल को सस्टेनेबल बना दिया, मतलब क्वालिटी ज्यादा करके कॉस्ट को कम करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए। और इनसे नेक्स्ट लर्निंग जो मिलती है वो उन्होंने समझा कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल जाएगा, उसके बाद घर आएगा, आराम करेगा और उसे कोई फिजिकल एजुकेशन में जाना है, कोई कोचिंग में जाना है, किसी स्पोर्ट क्लब में जाना है, उसके बाद जब वो घर आएगा तब उसे पढ़ना है। इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर एक नया एडवांटेज ऐड किया, एनी टाइम एक्सेस। देखिए, एनी टाइम एक्सेस का मतलब हुआ कि बच्चा जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे आराम से एजुकेशन ले सकता है। इसका मतलब बच्चा शाम को पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, बच्चा थोड़ी रात को पढ़ना चाहता है ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, छोटे छोटे प्री रिकॉर्डेड एनिमेटेड वीडियो के ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन के थ्रू बच्चा डिस्कवर कर सकता है, ब्राउज कर सकता है अपने पसंदीदा टीचर से, वो लाइव सेशन लेके अपनी एजुकेशन को काफी क्वालिटीफुल एजुकेशन बना सकता है।
इस तरह से एक वेदांतु एप्लीकेशन इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन लेकर आ रहा है। इसलिए मैंने थंबनेल भी लिखा है कि ये इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चे को घर बैठे एजुकेशन मिल रही है। बहरहाल जब वेदांतु की बात करते हैं तो बार बार कंपैरिजन आता है बायजू के साथ। लोगों को लगता है कि बायजू और वेदांतु में ज्यादा बेटर कौन सा है। देखिए मैं दोनों का कंपैरिजन आपको करके बताता हूं। दोनों ही बैंगलोर में शुरू हुए, दोनों ही लगभग 2011 में शुरू हुए। यहां से बायजू का थोड़ा इंटरेक्शन समझिए। 2011 में बैंगलोर के अंदर बायजू रविंद्रन ने बायजू को शुरू किया। बायजू की सक्सेस की बात करूं तो 8 साल के अंदर 37,000 करोड़ का रेवेन्यू डेवलप किया और नंबर 1 एजुकेशन कंपनी बनी, 5th नंबर की मोस्ट इंटरनेट वैल्यू वाली कंपनी है। तो बायजू और वेदांतु में रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल और रैंकिंग का कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन है इनके टारगेट मार्केट का। दोनों के ही स्टूडेंट काफी सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर आप दोनों एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो बायजू काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप हिंदी में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए वेदांतु ज्यादा अच्छा है। अगर आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन से लर्निंग लेना अच्छा लगता है तो बायजू आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लाइव सेशन लेने तो आपके लिए वेदांतु एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहरहाल दोनों ही बिजनेस के टारगेट मार्केट, पोजिशनिंग, सेगमेंटेशन, एडवर्टाइजिंग दोनों ही ठीक है। बायजू एक्सपीरियंस में थोड़ा आगे है, पुराना प्लेटफॉर्म है, इनका सॉफ्टवेयर काफी ईजी है, मतलब आपको एक ही जगह काफी अच्छे नोट्स, पीडीएफ, काफी जानकारी मिल जाएगी। वेदांतु थोड़ा नया है, उनका सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हो रहा है, इसलिए वहां पर एप्लीकेशन नोट्स पीडीएफ को निकालने के लिए स्टूडेंट को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बहरहाल दोनों ही एप्लीकेशन अपनी अपनी जगह ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म अपनी जगह ठीक है। आपको दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके मेरा कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कॉमेंट करके मुझे जरूर बनाइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को शेयर करिए अपने हर एक उस फ्रेंड के साथ जो घर बैठे अपनी एजुकेशन को क्वालिटीफुल एजुकेशन कम कॉस्ट के अंदर बनाना चाहता है। अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव बिजनेस की केस स्टडी, बिजनेस मॉडल, सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई केस स्टडी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।